हरियाणवी डांसर और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सपना चौधरी ने कांस रेड कार्पेट पर डेब्यू किया। इस तरह वो चुनिंदा क्षेत्रीय कलाकारों में शामिल हो गए जिन्हें रेड कार्पेट पर चलने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि वो एयर फ्रांस के साथ कोलैब करने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने इसे अविश्वसनीय अनुभव बताया। सपना ने रेड कार्पेट पर वॉक करने के दौरान पेस्टल पिंक सेट की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली मरमेड ड्रेस पहनी थी। उन्होंने इवेंट की कई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो मीडिया और अन्य लोगों को नमस्ते करते हुए दिखाई दी। सपना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपने भारी भरकम ड्रेस के साथ गाड़ी में बैठ रही हैं। उन्होंने अपने लुक के साथ बालों का बन बनाया और मिनिमम ज्वेलरी कैरी किया। सपना के ड्रेस का वजन 30 किलो है। इसे किसने डिजाइन किया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सपना ने ब्रूट हिंदी का वीडियो शेयर किया है। फैंस उनके लुक्स और अपीयरेंस की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ट्रोल करने वालों की कमी नहीं है। एक ट्रोलर ने कमेंट में लिखा, टैक्सी से आई है। एक यूजर ने लिखा, ऐसी ड्रेस पहनने का ही क्या मतलब कि चार लोग उसको संभालने के लिए लगे और खुद को अनकंफर्टेबल फील करें। एक ने कहा, यार ये ऐसे कपड़े क्यों पहनती है। एक ने कमेंट किया, ये लुक नहीं जमा, सलवार सूट ही ठीक है। एक यूजर कहते हैं, क्यों अपनी फजीहत कराने पर लगी हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए सपना चौधरी ने कहा, कांस सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि किसी भी एक्टर के लिए जीवन भर का सपना है और मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि अंग्रेजी या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा को जाने बगैर इसे कर दिखाया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको सपना चौधरी का ये लुक कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।